प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के इस खास मौके पर बीजेपी ने आज देश में 2 करोड़ लोगों को टीकाकरण का लक्ष्य रखा। और इस वक्त की बात करें तो आज अब तक 94 लाख से ज्यादा वैक्सीन की डोज लोगों को दी जा चुकी है। अब तक का जो आंकड़ा है वो 94 लाख जा पहुंचा है। देश भर में 95 लाख, देखिए लगातार ये आंकड़ा जो है बढ़ता जा रहा है। देश भर में जो देशव्यापी टीकाकरण अभियान है उसके आंकड़े को 2 करोड़ तक पहुंचाना है, ये बीजेपी का आज लक्ष्य है। और जो अब तक की जानकारी है आंकड़ा लगातार बढ़ता हुआ 95 लाख के पार पहुंचता हुआ 95,19,045, देखिए ये इस वक्त का आंकड़ा है आपके सामने। लगातार आंकड़ों में तेजी के साथ इजाफा हो रहा है। पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर 2 करोड़ लोगों को टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। और इसी वक्त की बात करें तो इस बीच जो आंकड़ा है वो तेजी के साथ बढ़ रहा है, 95 लाख से ज्यादा ये आंकड़ा बढ़ता हुआ। ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की डोज अब तक देने का लक्ष्य जो निर्धारित किया है उसको 2 करोड़ तक पहुंचाना है। पीएम मोदी के जन्मदिवस के इस खास मौके पर ये लक्ष्य निर्धारित किया गया है और ये आंकड़ा 95,38,000 के पार, देखिए लगातार आंकड़ों में इजाफा हो रहा है। COVID-19 की वैक्सीन, देशव्यापी टीकाकरण अभियान, नया आयाम छूता हुआ और एक नया कीर्तिमान स्थापित करने की तैयारी है और वही लक्ष्य भी है। और उसी फहरिस्त पे अब तक का जो आंकड़ा है वो 95 लाख के पार है, 95,48,701 बढ़कर 95,53,000 के पार लगातार आंकड़ा बढ़ रहा है। तो पीएम मोदी के जन्मदिवस के मौके पर इस लक्ष्य को निर्धारित किया कि 2 करोड़ लोगों को टीकाकरण करना है। आज लगातार वैक्सीनेशन सेंटर्स तक लोग पहुंच रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगानी है और इसी फहरिस्त में जो आंकड़ा है उसे 2 करोड़ तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वैक्सीनेशन का आज का लक्ष्य 2 करोड़ है और अब तक का आंकड़ा तेजी के साथ जो बढ़ता हुआ 95 लाख के पार ये आंकड़ा पहुंच चुका है। 2 करोड़ के आंकड़े को छूना है, टीकाकरण का लक्ष्य है 2 करोड़ लोगों को आज लगाने का। और इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए लगातार, देखिए हम आपको वो लगातार फिगर्स दिखा रहे हैं, 95 लाख के पार जो देशव्यापी टीकाकरण अभियान है उसमें आज भारत इतिहास दर्ज करने जा रहा है, उसी की तैयारी है। और तेजी के साथ बढ़ते आंकड़े जल्द इस 2 करोड़ के आंकड़े तक पहुंचेंगे और यही लक्ष्य आज के लिए निर्धारित किया गया है। आज प्रधानमंत्री 71 साल के हुए, इस खास मौके को और खास तोहफे को देने के लिए इस लक्ष्य को निर्धारित किया गया था बीजेपी द्वारा पीएम मोदी को ये तोहफा देने के लिए। और लगातार तेजी के साथ इन बढ़ते हुए आंकड़ों को हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 96 लाख के पार ये आंकड़ा पहुंच चुका है टीकाकरण अभियान, जिसमें 2 करोड़ के लक्ष्य को प्राप्त करना है। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप, अवेलेबल ऑन Google Play एंड App Store। डाउनलोड इट नाउ।